नमस्कार सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों बड़ी खुलासा हुआ है, बड़ी साजिश का। पाकिस्तान से भेजे गए थे 24 बमों में से एक था, गाजीपुर में मिला विस्फोटक। देश भर में हाई अलर्ट कर दिया गया है दोस्तों, पाकिस्तानी साजिश का खुलासा हुआ है गणतंत्र दिवस से पहले। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, तो दोस्तों इमरान खान इंटरनेशनल भिखारी बना। इमरान खान देश की बदहाली को लेकर पाकिस्तानी पीएम पर भड़का, विपक्ष ने खोला मोर्चा, मांगा इस्तीफा। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, आतंकी, जी हां इस्लामिक आतंकी मारा गया अमेरिका में। टेक्सास में बंधक संकट खत्म, एफबीआई ने ढेर कर दिया। मुस्लिम नाम के युवक को सुरक्षित बाहर निकाला, लोगों को बड़ी खबर। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए नागरिकों को मलिक फैसल अकरम ने बना लिया था बंधक। चौथी बड़ी अपडेट, भारत ने चली ब्रह्मोस की चाल, ड्रैगन का समंदर वाला ख्वाब चकनाचूर। विपक्ष पूरी तरीके से धाराशाही हो चुका है, विपक्ष ने बोला बड़ा हमला सी जिनपिंग पर। जी हाँ, उसके बारे में आपको बताएंगे कैसे वो भी हम आपको बताएंगे। और इस बीच चीन से आई दुनिया की एक और नई आफत, लोगों की हो रही मौत। WHO ने तुरंत कार्रवाई के दिए निर्देश, एक और खतरनाक चीन ने भेज दिया वायरस, तो वो भी हम आपको बताएंगे। पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ उगल दिया है जहर, अफगानिस्तान को भेजी जा रही मानवीय संकट को बताया पब्लिसिटी स्टंट, और ना जाने क्या क्या तालिबान को भड़काने की कर रहा कोशिश। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा, इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी साजिश, बड़ा खुलासा। 24 घंटे में पाकिस्तान से भेजे गए थे 24 बमों में से एक था, गाजीपुर में मिला विस्फोटक। देश भर में हाई अलर्ट घोषित। दरअसल दिल्ली पुलिस की जांच में पता चला है कि शुक्रवार को गाजीपुर फूल बाजार से बरामद किए गए आईईडी 24 बमों की खेप का हिस्सा था, जिसे सीमा पार से या तो जमीन के जरिए या समुद्री मार्ग से पाकिस्तानी द्वीप स्टेट द्वारा स्थानीय आतंकवादियों को भेजा गया था। हाल ही में जम्मू कश्मीर और पंजाब से बरामद की गई डिवाइसेस को भी उसी खेप का हिस्सा माना जा रहा है, और यह भी माना जा रहा है कि कुछ उपकरणों की तस्करी गुजरात और यूपी में की गई हो सकती है। दिल्ली पुलिस के टॉप जांचकर्ता के मुताबिक गाजीपुर डिवाइसेस की एक टिफिन बम था, जिनमें 3 किलोग्राम RDX कोर चार्ज के रूप में था और अमोनियम नाइट्रेट सेकेंडरी चार्ज के रूप में था। डिवाइस को स्टील के टिफिन में किलो और बॉल वेयरिंग के साथ पैक किया गया था और इसे दूर से ही उड़ाया जा सकता था। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं किस तरीके से इसमें पाकिस्तान की साजिश का ताबड़तोड़ खुलासा हो रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट, जम्मू कश्मीर लश्कर ए मुस्तफ़ा के 4 और सदस्यों के खिलाफ NIA ने दाखिल किया आरोप पत्र। दोस्तों जम्मू संभाग में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के छद्म संगठन लश्कर ए मुस्तफ़ा की ओर से साजिश रचने के मामले में और 4 आरोपियों के खिलाफ NIA ने पूरक आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। आरोप पत्र के अनुसार चारों आरोपी बिहार से हथियार खरीदकर पंजाब हरियाणा के रास्ते जम्मू कश्मीर लाए गए। ये हथियार लश्कर ए मुस्तफ़ा संगठन के लिए खरीदे गए थे ताकि जम्मू संभाग में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। NIA कोर्ट जम्मू से बिहार के सारण जिले के मोहम्मद अरमान अली उर्फ अरमान मंसूरी व मोहम्मद एहसानुल्लाह उर्फ गुड्डू अंसारी, अनंतनाग के खनबाल के इमरान अहमद हजाज उर्फ इमरान नबी हजाम तथा अनंतनाग के बटेगू के इमरान अहमद डार के खिलाफ आर्म्स एक्ट विस्फोटक अधिनियम तथा UUPA के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है। हम चलते हैं एक और अपडेट, इंटरनेशनल भिखारी इमरान खान देश की बदहाली को लेकर पाकिस्तानी PM पर भड़का, विपक्ष। दोस्तों जमात इस्लामी के प्रमुख सिराजुल हक ने इमरान खान को अंतर्राष्ट्रीय भिखारी करार दे दिया है। हक ने रविवार को कहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जाना ही आर्थिक संकट से जूझ रहे देश की सभी समस्याओं का हल होगा। लाहौर में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने देश में नए सिरे से चुनाव कराने की अपील कर डाली है। पेट्रोलियम की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के लिए हक ने इमरान खान की आलोचना की। उन्होंने कहा है कि इमरान खान और पाकिस्तान एक साथ काम नहीं कर सकते हैं। जियो न्यूज ने हक के हवाले से कहा है कि देश में राजनीति से फायदे या नुकसान के लिए कोई जगह नहीं बची है, क्योंकि इमरान खान का जाना ही सभी समस्याओं का समाधान है और इसे इंटरनेशनल भिखारी बता दिया है और कहा है कि पाकिस्तान को भी उन्होंने गर्त में डाल दिया है। एक और अपडेट ले लेते हैं, तो दोस्तों एक ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, अमेरिका के टेक्सास में बंदूकधारी ने यहूदियों के एक प्रार्थना स्थल में घुसकर
कई लोगों को बंधक बना लिया। 10 घंटे तक के तनाव के बाद सभी को सुरक्षित निकाला गया। जी हां, FBI ने मार गिराया, हमलावर सभी सुरक्षित बाहर निकाले गए। दोस्तों 10 घंटे के तनाव के बाद सभी बंधकों को सुरक्षित निकाल लिया है, साथ ही गनमैन को ढेर कर दिया गया है। आतंकी जो था वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल आपको बता दें, पुलिस ने जिस आतंकी को मारा है उसकी पहचान जो है फैसल अकरम के रूप में हुई है। जी हाँ, FBI पता कर रही है कि कहाँ का है ये संदिग्ध। पाकिस्तानी तांत्रिक विज्ञानी आफिया सिद्दीकी को रिहा किए जाने की मांग कर रहा था। अब आप समझ लीजिए कि अगर ये पाकिस्तानी तांत्रिक आफिया सिद्दीकी को रिहा करने की मांग कर रहा था तो आखिर ये कहां से होगा, अब आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अमेरिका के टेक्सास में आतंकी हमला हुआ है, जहां पर टेक्सास में कई लोगों को बंधक बना लिया गया था, लेकिन वहां की सुरक्षा एजेंसी FBI ने उस गनमैन को धर लिया और वहां के लोगों को सुरक्षित निकाला है। राज्य के गवर्नर ड्रेक एवॉन ने कहा, रविवार को कहा है कि सभी बंधकों को शनिवार देर रात टेक्सास के एक प्रार्थना स्थल में घंटों तक चल रहे गतिरोध के बाद छुड़ा लिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि जिनको बंधक बनाया गया था वो यहूदी थे। जी हाँ, यहूदियों को एक प्रार्थना स्थल में घुसकर बंधक बना लिया गया था बंदूकधारी इस आतंकवादी ने। हालांकि अब सुरक्षित सबको निकाल लिया गया है, लेकिन पाकिस्तान की एक बार फिर से पोल खुल चुकी है और पाकिस्तान की जो आतंकी हैं वो अमेरिका तक पहुंच चुके हैं। ये अमेरिका को बधाई। हम चलते हैं एक और अपडेट। भारत ने चली ब्रह्मोस की चाल, ड्रैगन का समंदर वाला ख्वाब हो जाएगा चकनाचूर। दोस्तों भारत और चीन के बीच जिस तरीके से सीमा विवाद गहराता जा रहा है उसमें ये सवाल तो उठना ही था कि क्या आने वाले वक्त में साउथ चाइना से यानी दक्षिणी चीन सागर को लेकर समंदर का विवाद और लाकर ए रहा है, उससे भी भारत की भूमिका बढ़ेगी। निश्चित रूप से भारत की भूमिका साफ तौर पर नजर आने लगी है, लेकिन ये भूमिका कैसी होगी और किस रूप में होगी, उनकी बहुत सारे परतें आने वाले वक्त में खुलेंगी। लेकिन ब्रह्मोस का पहला सौदा ये संकेत दे ही गया है कि रक्षा मंत्रालयों को लेकर भारत और फिलीपींस के बीच जिस तरीके से नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं उनकी मुख्य वजह चीन की साउथ चाइना सी पॉलिसी ही है। आने वाले दिनों में वियतनाम समेत और भी देश कई इस कतार में भारत के साथ खड़े होंगे, क्योंकि भारत दक्षिणी चीन सागर को एक तटस्थ स्थान मानता है और हर हाल में यथास्थिति बनाए रखने का समर्थन करता है जो चीन को मंजूर नहीं है। भारत की इस ब्रह्मोस चाल से टेंशन में है ड्रैगन। दरअसल आपको बता दें, फिलीपींस के साथ भारत ने $375 मिलियन यानी करीब 2800 करोड़ रुपए का एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता किया और ये फिलीपींस को भारत में बनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दी जाएगी। इससे चाइना जो है पूरी तरीके से समंदर में पिटेगा, क्योंकि समंदर से किनारे वियतनाम है और वियतनाम के साथ फिलीपींस के साथ ये ब्रह्मोस मिसाइल देख कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली चाइना पर भारत ने दबाव बना दिया है। एक और अपडेट, चीन से आई दुनिया के लिए नई आफत, इस खतरनाक वायरस की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत, WHO ने तुरंत कार्रवाई के दिए निर्देश। चीन में बर्ड फ्लू से 2 मौत हो गई हैं और अभी तक 5 मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन से कहा है कि वो H5N6 वायरस को लेकर तत्काल कार्रवाई करे। पिछले साल चीन में बर्ड फ्लू से संक्रमित लोगों की संख्या में उछाल ने एक्सपर्ट के बीच चिंता बढ़ा दी है। एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि बर्ड फ्लू का स्ट्रेन अधिक संक्रामक हो सकता है। दुनिया में कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने पहले ही हाहाकार मचाया हुआ है, वहीं अभी इस नए वायरस ने चिंता बढ़ा दी है। हांगकांग हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा है कि सिचुआंग प्रांत, झोंगजियांग प्रांत और गुआंगसुई स्वायत्त क्षेत्र में 5 लोग पिछले साल दिसंबर में एवियन एंजला स्ट्रेन से संक्रमित हुए। डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अब 2 लोग की मौत हो चुकी है जबकि 3 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत खिलाफ उगला जहर, अफगानिस्तान को भेजे जा रहे मानवीय संकट को बताया पब्लिसिटी स्टंट। तालिबान राज लौटने के बाद गरीबी और भुखमरी से जूझ रही अफगानिस्तान की आवाम को भारत ने मानवीय सहायता के तौर पर 50,000 टन गेहूँ भेजा था, जिसे पाकिस्तान ने पब्लिसिटी स्टंट बताया। पाकिस्तान ने इस मानवीय संकट को रोकने की पूरी कोशिश की, इसके लिए गार्ग मुहैया कराने तक में खूब आनाकानी की गई। इस मामले में वो लगातार जहर उगलते रहे। अब पाकिस्तान के बड़बोले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA उमैद यूसुफ ने भारत पर नरसंहार करने का आरोप लगाया और कहा है कि दुनिया इस पर अभी भी शांत है। ये वही NSA जो बलूचों पर हो रहे पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों को खुशी से देखते हैं।
मोईद यूसुफ ने कहा है कि भारत ने जानबूझकर पाकिस्तान के ज़मीनी रास्तों से अफगानिस्तान को गेहूं भेजने की घोषणा की थी ताकि पाकिस्तान ऐसा न होने दे। उन्होंने कहा है कि वैश्विक समुदाय को लगता है कि भारत चीन के खिलाफ संतुलन बनाएगा, लेकिन नई दिल्ली अब अपने पन में संतुलित नहीं है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही, बीच यात्रा में ही पाकिस्तान के पायलट ने प्लेन उड़ाने से किया इनकार, कहा मेरा शिफ्ट हुआ ख़त्म और काफ़ी पैसा भी उसका बाकी था। दरअसल पाकिस्तान के एक पायलट ने रविवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक विमान को इस्लामाबाद लाने से इनकार कर दिया। पायलट का कहना था कि उसकी ड्यूटी की टाइमिंग खत्म हो गई है, इसलिए प्लेन नहीं उड़ाएगा। पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA ने पायलट के विमान को यात्रा के बीच में ही उड़ाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद विमान में सवार यात्री भड़क गए और उन्होंने विरोध में कहा है कि वो विमान से नहीं उतरेंगे। पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक PIA प्रशासन ने बताया है कि PK-9754 ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद से उड़ान भरी, लेकिन खराब मौसम के कारण दम में उतर गया। फ्लाइट के कप्तान ने तब विमान को इस्लामाबाद ले जाने से इनकार कर दिया और कहा कि उनकी ड्यूटी समाप्त हो गई है। आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से तो पाकिस्तानी पायलट हैं। एक और अपडेट ले लेते हैं, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, नॉर्थ कोरिया किम जोंग के हथियारों की भूख बरकरार, समुद्र में दागी दो बैलिस्टिक मिसाइल, लगातार कर रहा है परीक्षण। दरअसल उत्तर कोरिया ने महीने में चौथी बार समुद्र में दो कम दूरी तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इस बात की जानकारी दक्षिण कोरिया की सेना ने दे दी है। उत्तर कोरिया ने इस साल जब लगातार दो बार मिसाइल परीक्षण किया, उस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए। इसे तानाशाह किम जोंग उन ने उकसावे वाली हरकत बताया है और जवाब देने के लिए एक बार फिर से मिसाइल परीक्षण किया। और तब तक सोमवार को खबर आई कि अमेरिका के नए प्रतिबंधों के बाद दूसरी बार मिसाइल परीक्षण किया गया है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, समाजवादी पार्टी की मान्यता खत्म करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, नायद हसन की उम्मीदवारी पर घिरे अखिलेश यादव। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता सुनील उपाध्याय की ओर से समाजवादी पार्टी की मान्यता खत्म करने की मांग करते हुए अर्जी दाखिल की गई और इस अर्जी में कहा गया है कि चुनाव में उम्मीदवारी तय करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आरे आदेश का सपा ने उल्लंघन किया है और इसके लिए उनकी मान्यता खत्म की जानी चाहिए। अश्विनी उपाध्याय ने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि यूपी के कैराना से नाहिद हसन को उतार कर सपा ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया। उपाध्याय ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने कोरोना के एक गैंगस्टर को चुनाव मैदान में उतारा है, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड अपने ट्विटर अकाउंट और वेबसाइट पर सपा ने जारी कर दिया। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में भी जानकारी नहीं दी गई। अधिवक्ता ने कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी में मांग की है कि सपा अध्यक्ष की ओर से उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई है, ऐसे में चुनाव आयोग को आदेश दिया जाए कि वो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करें। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। पंजाब में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, भगवंत पाल सिंह समेत 5 सीनियर नेता BJP में शामिल। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अमृतसर DCC ग्रामीण अध्यक्ष भगवंत पाल सिंह सच्चर अधि सहित सब उनके 5 सीनियर नेता रविवार को भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने उनका पार्टी में स्वागत किया और चुग ने कहा है कि भाजपा के पक्ष में एक नई लहर शुरू हो गई है और विधानसभा चुनाव के बाद जल्द ही कांग्रेस मुक्त पंजाब देखेगी। भगवंत पाल अमृतसर ग्रामीण DDC के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, साथ ही वो प्रमुख खालसा दीवान के कार्यकारी सदस्य हैं। भाजपा में शामिल होने वालों में अमृतसर जिला कार्यकारी कांग्रेस कमेटी के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप सिंह भल्लर और पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रतन सिंह सुहाल भी शामिल हैं। तो दोस्तों, पंजाब में जहां कांग्रेस पार्टी में झटका लग रहा, वहीं BJP में लोगों का शामिल होने का सिलसिला चल पड़ा है। फिलहाल बड़ी खबर में तो नहीं लगे।